गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की शुरुआत हो गई है नारियल पानी से। रवीन अपना नारियल पानी पी रही है और मैं भी अपना, मेरा ख़त्म हो गया है थोड़ा सा बाकी है, तो आप भी आके पी लीजिए। और हमने योगा कर ली है आज। आज हमारा 7th डे था योगा का और बहुत फ़र्क लग रहा है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी सी लग रही है, एनर्जी में भी और मतलब नींद स्लीप में भी, डीप स्लीप, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट आती है योगा से। और साथ में लाइफस्टाइल भी थोड़ी चेंज होती है, मतलब खाने के हैबिट्स भी चेंज होती है, तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। तो अभी हम ये सब कर रहे हैं घर की, अब साफ सफाई करेंगे और फिर आज का जो प्रोग्राम होगा देखते हैं क्या होता है। हाँ, आज हमारा सूप बनाएंगे हम एक, और ये एक तरह का डिटॉक्स जूस होता है हमारे उस प्लान में। ये मॉर्निंग में पीना था सबसे पहले। हाँ, या ये या फिर घी का जूस या फिर कोई भी सब्जी का जूस, कोई भी एक सब्जी का जूस पी सकते हैं। बेटर यही रहता है अगर डिटॉक्स में, डिटॉक्स करना है तो फिर ये वाला। और थोड़ा इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है रात में ज्यादा। रात का डिनर हमारा हो जाता है, जो हमारा सूप होता है वो हमारा हो जाता है 6 बजे तक। हाँ, उसके बाद फिर हम सुबह 10 बजे तक, 10 बजे तक, 8-9 बजे तक आपको पीना होता है ना, पीना होता है तब तक। जिस दिन फास्ट कर रहे होते हैं उस दिन का हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें होता है कि आपको या तो आप उबली हुई सब्जियों का, आपको जो लम्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रॉथ कहते हैं, ब्रॉथ, हाँ, स्टॉक कहते हैं, वेजिटेबल स्टॉक, सब्जियों का पानी होता है। हाँ, सब्जियों का पानी वो पीना होता है और सूप बनाना होता है ऐसा कुछ। वो सूप वाला डिटॉक्स होता है और एक जूस टाइप का डिटॉक्स होता है। उस दिन सिर्फ आपको जूस पीने होते हैं, वैसा भी डिटॉक्स होता है। तो हर दिन का एक डिफरेंट शेड्यूल होता है, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से। अभी तक हमने यही सीखा है, धीरे धीरे जो जो सीखेंगे बताएंगे आपको। यहाँ पर हो गया घर की साफ सफाई, देखिए कितना साफ सुथरा कर दिया हम दोनों ने। इस प्लांट के अंदर पानी नहीं है तो इसमें पानी देना है। हाँ, और ये सेल्फ वाटरिंग पॉट है, तो इसमें क्या होता है कि ना पानी आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीचे यहाँ पर पानी डाल दीजिए और प्लांट को जब जब जरूरत होती है वो अपने आप लेते जाता है। तो इंस्टा पे मुझसे लोग पूछ रहे थे डीएम में, क्योंकि मैंने एक स्टोरी लगाई थी अपनी मेहंदी लगवाते हुए, तो पूछ रहे थे कि कैसी मेहंदी लग रही है, तो भी ऐसी लग रही है। तो अभी हम आ गए हैं पार्क में, थोड़े पार्क की सैर करने और घूमने, थोड़ा घूम भी लेंगे इसी बहाने। ये देखिए कितना बड़ा ये हमारे इधर का पार्क है, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं शाम को वॉक करने, मोटे से पतले होने। तो हम भी यही करने आए हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, थोड़ा मतलब हरियाली रहती है पार्क में बहुत अच्छी। गेम चल रही है। आओ सब तो कर लिए। सबसे डरावनी जगह मुझे ये लगती है। लाइट नहीं है इसमें, आपको मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये देखो, हम आज आ गए हैं रात को नाडा साहब गुरुद्वारा। तो अभी द्वार बंद हो गए हैं, अभी क्या टाइम हो रहा है,
टाइम हो रहा मेरे ख्याल से 10 से तो आगे ही बने, 10 से दस तो बज गए तो 10 बज गए हैं, तो द्वार बंद हो चुके हैं, पर हम लोगों ने सबने मत्था टेक लिया बाहर से ही। अब किसी दिन दिन में आएंगे दोपहर में तो लंगर भी खाएंगे, लंगर भी खाएंगे तो आपको बताएंगे। सोना है क्या आपको? उनको लगा हम यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा, कोई फीसेस लगती है? रेस्ट हाउस है ना वहाँ पर, फीसेस लगती है? वहाँ रेस्ट हाउस है तो फिर लोग रुकते हैं वहाँ के, यहाँ से नहीं वहाँ से तक में। तो फीसेस लगती है? मुझे इतना आइडिया नहीं है, पता करना पड़ेगा इस बारे में। तो ये है गुरुद्वारे में रुकने की जगह, ये रही गाड़ी के अंदर ही चप्पल खोल के बैठे, रिपीट हम गाड़ी के अंदर ही चप्पल खोल के बैठे। अब बस आ गए हैं, अब चलते हैं क्योंकि गुरुद्वारे तो अभी, वैसे तो अभी लंगर हो रहा है तो चाहे तो अभी भी खा सकते हैं, पर हम किस दिन आएंगे दोपहर के टाइम फिर हम करेंगे लंगर में क्या क्या, क्योंकि हमारा डिनर आज हो चुका है। हम लोगों ने नारियल पानी पी लिया था, सूप पीना था, बट हम लोग वॉक करके आने में लेट हो गए तो हमने जल्दी से, क्योंकि हमें 6 बजे ही पी लेना था, नारियल पानी पी लिया, 8 बज गए वॉक करते हुए, इसीलिए फिर हमने नारियल पानी पी लिया था। घर को वापस, और रवीना सारे कूड़े को थैलियों में डाल रही है, और कल सुबह आंटी आती हैं उनको कूड़ा दे देते हैं। और अभी के लिए हम बस इतना ही। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।